अंबाला कैंट के हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन ने फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस मौके पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जैसे ही गृह मंत्री अनिल विज स्टेडियम पहुंचे, वहां पर मौजूद लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। गृह मंत्री ने फाइनल मैच खेलने वाली दोनों टीमों के साथ हाथ मिलाया और मैच की शुरुआत की। सबसे बड़ी बात ये रही कि ये मैच पहली बार अंबाला कैंट के स्टेडियम में दूधिया रोशनी में खेला गया। मैच के बाद गृह मंत्री ने दोनों टीमों को ट्रॉफी दी और इसके साथ ही अंबाला के पुराने खिलाड़ियों जिन्होंने खेल में अंबाला का नाम रोशन किया है उनको भी सम्मानित किया। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि अंबाला में बहुत अच्छा फुटबॉल था और मोहन बागान जैसी टीमों को यहां हराया था। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर न मिलने के कारण हमारे खिलाड़ी पीछे रह गए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा यहां मुहैया कराई गई है और अंबाला कैंट में अंडर 14 और अंडर 17 की 28 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मैं फुटबॉल को जीवित होता देख रहा हूं और यहां से टीमें जाएंगी, ओलंपिक में भी खेलेंगी, कॉमनवेल्थ में भी खेलेंगी और अंबाला का, हरियाणा का और इंडिया का नाम रोशन करेंगी। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, जब मीडिया स्कूल का विद्यार्थी हूं, तो उस वक्त हमें मैच खेलने के लिए स्कूल की छुट्टी कर दी जाती और हम इस मैदान में जिसमें धूल भरी आंधियां चलती थी, हम यहां पर मैच देखने आया करते थे और ये दर्शकों से भरा हुआ वो मैच। मुझे चतुर जी भी याद आते हैं जो किसी साइड पे बैठकर वो एक जैसे पिक्चर बनाने का डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर की तरह वो बोला कर सभी मार मरते मार वो नाम देने के बुलाते थे कैप्टन। और जैसे आप बच्चों को मिक्की माउस स्कूल मिक्की माउस स्कूल जब यही घोषित किया गया और जिस प्रकार का आपने नाच किया है, डांस किया है। आपको बता दी कि अंबाला कैंट के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन ने जिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस फुटबॉल चैंपियनशिप में 28 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।